लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज नई मुंबई मनपा आयुक्त से मुलाकात की और कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए जरूरी इंतजाम करने पर जोर दिया। गणेश उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण रोकने, कोविड वैक्सीनेशन को और सघन बनाने एवं पर्यावरण सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की भी मांग की। बैठक में कुछ मनपा अधिकारियों का तानाशाही रवैया और आयुक्त की उपेक्षा का मामला सबसे अधिक सुर्खियों में रहा। बीजेपी विधायक ने कहा कि नई मुंबई में पारदर्शी कामकाज और लोकाभिमुख प्रशासन के लिए ऐसे तानाशाह अधिकारियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज मनपा आयुक्त से अपनी मुलाकात में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण न फैले इसलिए इसे रोकने तथा कोविड वैक्सीनेशन को और सघन बनाने एवं नवी मुंबई में पर्यावरण सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की मांग की। उनके साथ जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत, अनंत सुतार, पूर्व विधायक संदीप नाइक, महापौर जयवंत सुतार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। आयुक्त के समक्ष जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने मनपा के कुछ अधिकारियों के तानाशाही रवैये पर सवाल उठाया। इसे बल देते हुए लोकनेता गणेश नाइक ने कहा कि नई मुंबई में पारदर्शी कामकाज और लोकाभिमुख प्रशासन के लिए ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। यहां पूर्व विधायक संदीप नाइक ने पूछा कि अब तक कितने नई मुंबई करों का वैक्सीनेशन हुआ। इस पर लोकनेता गणेश नाइक ने आयुक्त से पूरा ब्यौरा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि अभी तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। आइए सुनाते हैं गणेश नाइक ने और क्या कुछ कहा। पहली लाट आली, दूसरी लाट आली, पहला लाटेच्या वेळेला बऱ्याचशा लोकांना मृत्यूला सामोरं जावं लागलं, दुसऱ्या लाटेच्या वेळेला मृत्यूला सामोरं जावं, पहिल्या लाटेच्या वेळेला औषधाचा आतापता नव्हता, दुसऱ्या लाटेच्या वेळेला ऑक्सिजनची आणि व्हेंटिलेटरची कमतरता भासली, तिसरी लाट येऊ घातलेली आहे आणि त्याकरता डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉय, औषधाची एकूण जडणघडण सगळ्या गोष्टी कराव्या अशा प्रकारची भूमिका आम्ही मांडलेली आहे। लसीकरणाच्या बाबतीमध्ये लक्ष वेधले असताना त्यांनी आपली यंत्रणा चांगल्या प्रकारे काम करत असं भूमिका मांडलेली आहे, तरीसुद्धा आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की त्या ठिकाणी अन्य महानगरपालिकेच्या तुलनेच्या मानानं आपल्या शहराच्या लोकांवर अन्याय तर होत नाही ना। एकूणच पर्यावरणाच्या अनुषंगानं मुंबई शहरामध्ये MIDC भागातलं पाण्याचं प्रदूषण, हवेचं प्रदूषण याचे दुष्परिणाम लहान मुलांवर, त्याचबरोबर सिनियर सिटीजन, ज्येष्ठांच्या एकूण आरोग्यावर होत आहेत, त्या ठिकाणी तत्पर राहावं असं मी भूमिका मांडलेली आहे। आता गणपतीचा कालखंड आलेला आहे, या कालखंडामध्ये पुन्हा लोक जास्त एकत्र येतील आणि गणपतीनंतर ही तिसरी लाट मुस्लिम मारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि म्हणून मास्क घालणे हे एक प्रमुख त्याच्यातला भाग आहे। हात धुणे, सोशल डिस्टन्स ठेवणे आणि शक्यतो गर्दी टाळणे। इस अवसर पर युवा नेता निशांत भगत ने DPR के तहत यूटिलिटी भूखंडों के आवंटन के मुद्दे पर मनपा आयुक्त की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नई मुंबई में सामाजिक भूखंडों को बेचने के खिलाफ हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका उन्होंने दाखिल की है उस पर सुनवाई के दौरान महानगर पालिका के वकील या अधिकारी नई मुंबई की जरूरतों का मुद्दा उठाने की बजाय खामोश रहते हैं। निशांत भगत ने सवाल उठाया कि क्या महानगर पालिका सिडको अधिकारियों, बिल्डरों और नगर विकास मंत्रालय के इशारे पर चल रही है। निशांत भगत की भूमिका का पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने भी पुरजोर समर्थन किया। निशांत भगत यानी भूमिका अशी मांडली की जे महानगर पालिकेचा डीपी प्लॅन आहे, त्या डीपी प्लॅन मध्ये असलेले भूखंड सिडकोनी महासभेने मागितल्याप्रमाणे ते महापालिकेला वर्ग करावा अशा प्रकारची भूमिका निशांत भगत यांनी मांडलेली। पण सेक्शन 154 अन्वये राज्य शासनाने दिलेल्या एकूण आदेशाचं पालन आम्ही करू ते करावं, परंतु त्याच्यापूर्वी महासभेने काय म्हटलेलं आहे
ते माननीय न्यायालयासमोर ठेवावं अशा प्रकारची भूमिका आम्ही आयुक्तांना सांगितली. जो महापालिकेच्या सभागृहाने घेतलेल्या ठरावाच्या बाबतीत ते काय बोलायला तयार नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये मनामध्ये संशय येतो की आज या ठिकाणी कुठलं महासभागृह नसल्यामुळं महापौर नाहीत, त्या ठिकाणी नगरसेवक नाहीत आणि म्हणून तिथे ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून जी भूमिका आयुक्तांची असायला पाहिजे, जी भूमिका सभागृहाच्या बाजूनी मांडायला पाहिजे, शहराच्या दृष्टिकोनातून पुढच्या 20 वर्षाचं नियोजन काय हे सांगण्यासाठी तिथं उभा राहायला पाहिजे. परंतु तिथे नगरविकास विभागाकडून ही नवी मुंबई महानगरपालिका चालवली जाते का शिडकोच्या दृष्टिकोनातून ही महापालिका चालवली जाते का, पुढच्या 20 वर्षाच्या शहराच्या नियोजनाच्या बाबतीत आपल्या वकिलानं किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आयुक्त साहेबांना काहीच वाटत नाही का, मग याला चालवणारा कोण, याच्या पाठीमागे डॉक्टर ॲडव्होकेट मारण्यानं गप्प बसवणारा कोण, या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर कुठंतरी पाणी मुरतं आहे आणि कोणीतरी त्यानं शांत केलेलं आहे अशी भूमिका मला कालच्या हिअरिंगमध्ये दिसून आली. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया.